हाय गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज़ दाऊद हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप लोगों को पता चल ही चुका होगा अभी तक, दैट IRCTC ने अपने पॉलिसीज़ में कुछ अपडेट दिए है। एंड जो सबसे मेजर अपडेट था वो ये था कि उन्होंने अपना GIC डबल कर दिया है। जब हम आए थे तो हमारा GIC था $10,000, बट करेंटली इट हैज़ बीन डबल्ड अप टू $20,635। तो जैसा मुझे लगता है, इसकी कोई ज़रूरत ही थी कैनेडियन गवर्नमेंट को करने की, पर उन्होंने किया। और उन्होंने बहुत ही लेम रीज़न दिया इसका, दैट स्टूडेंट जो यहाँ रह रहे ऑलरेडी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे अपना लिविंग कॉस्ट एंड ऑल। पर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस था, मेरी GIC आती थी 700 पर मंथ, और उसमें से भी रेंट देकर ग्रोसरीज के बाद कुछ पैसे बच जाते थे, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था। मैं ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खाता था, घर पर बना के ही सब कुछ खाता था, तो पैसे बच जाते थे। तो उन्होंने बहुत लेम रीज़न दिया है दैट स्टूडेंट कैन नॉट अफोर्ड देयर लाइफ स्टाइल हेयर, सो दैट्स वाई दे हैव डबल अप द GIC। 1400 पर मंथ अगर आपको GIC मिलता है 20,000 पे करने के बाद, तो एक्चुअल में आप बहुत सारा सेव कर सकते हो उससे। तो बात ये नहीं होगी दैट आप सेव कर पाओगे अपना GIC, बात यह है कि आप उस वक्त जब आप इंडिया में हो तो यहाँ पर $20,000 सुनने में बहुत कम लगता है, पर इंडिया में वो चीज़ 12 लाख होता है। एंड जस्ट टू मेक एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन अ कंट्री जहाँ पर आप जाओगे, आपको पता नहीं है कि वो कंट्री आपको कैसे सर्व करेगा, वेदर यू विल बी एबल टू सर्वाइव और नॉट। तो उस वजह से इसमें 12 लाख जस्ट ऐसे इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, एंड यू डोंट नो द रिज़ल्ट, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग कनेडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न इसलिए लिया क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे कनेडियन सिटीजन से बात की, नेटिव कनेडियन सिटीजन जो बहुत साल से मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं है। तो जब उनसे मैंने बात किया तो मुझे पता चला दैट दे आर वेरी अगेंस्ट दिस स्टूडेंट इमिग्रेशन, मतलब अभी यहाँ पर चल रहा है एंटी स्टूडेंट वाला थिंग। तो यहाँ के सिटीज़न को स्टूडेंट्स का आना पसंद नहीं है। तो जब मैंने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की तो मुझे पता चला, तो जब मैंने उनसे बात की तो मैंने उन्हें बताया दैट स्टूडेंट जब यहाँ पर आते हैं तो वो कुछ वो बहुत सारा अमाउंट देख रहे हैं यहाँ पर आते हैं, दे आर फंडिंग योर गवर्नमेंट। आपके गवर्नमेंट का मोर ओवर जो फंड है वो स्टूडेंट की वजह से ही मिलता है आप लोगों को। तो फिर भी वो नहीं मान रहे थे, वो बोल रहे थे नो, वो दे आर जस्ट कमिंग हियर, दे आर यूजिंग आवर रिसोर्सेज एंड गोइंग बैक टू देयर कंट्री, सो दे डोंट डिजर्व टू बी हियर। तो ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो अभी मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन में ही चल रहा है एंटी स्टूडेंट, एंड दैट्स वाई आई थिंक दैट कनेडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। दे आर जस्ट नॉट टेलिंग यू डायरेक्टली दैट हम स्टूडेंट्स नहीं लेंगे, उन्होंने बस अपना एक मेजर चीज़ बढ़ा दिया है जिसके वजह से स्टूडेंट्स अब सोचेंगे यहाँ पर आने को, एंड स्टूडेंट को हेजिटेशन होगी यहाँ पर आने को, उनको लगेगा कि बहुत पैसे लग जाएंगे, एंड उनको हेजिटेशन होगी कि अगर हम इतने पैसे लगाकर यहाँ पर आएंगे तो क्या इतने पैसे बना पाएंगे कि नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है दैट कनेडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया है। सो बीइंग अ स्टूडेंट इन इंडिया एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड और स्पेसिफिकली कनाडा, आपको यहाँ पर आना चाहिए या नहीं, या आपका वो GIC लगाना इन्वेस्ट करना वो वर्थ करता है या नहीं, वो मैं आपको बताऊँगा। जस्ट अपना ओपिनियन दूंगा कि वेदर अब ये चीज़ वर्थ करता है कि नहीं। तो सबसे पहली बात आ जाती है दैट यहाँ पर स्टूडेंट्स दो तरह के आते हैं, एक होते हैं जिनको मतलब जो अपने GIC और जो भी फंड्स है वो उनके घर वाले सपोर्ट करते हैं, और एक होते हैं जो लोन लेके आते हैं। तो करेंटली द थिंग इज़ दैट इफ़ यू आर थिंकिंग दैट आप लोन लेकर आओगे और यहाँ पर आप यू नो बहुत ईजिली रीपे कर दोगे, क्योंकि यूट्यूबर्स बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं, एंड आई ऑल्सो थिंक दैट मोटिवेट करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो स्ट्रेस में आओगे, वो डिप्रेशन, वो टेंशन लेकर आओगे दैट यू हैव टू रीपे द लोन, तो फिर आप यहाँ के सिचुएशन से और यहाँ पर जो कल्चर है उससे कोप अप नहीं कर पाओगे, एंड आपके मन में हमेशा यही चलता रहेगा कि मैं लोन रीपे नहीं कर पाऊँगा एंड ऑल। जो बहुत ज़्यादा डिटर्मिंड है एंड जिनको जिनका लाइफस्टाइल बहुत नॉर्मल है एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर स्टडीज़, वो उनको पता है दैट वो कर लेंगे, एंड उनको पता है कि वो कैसे भी करके ट्राई हार्ड करके मैनेज कर लेंगे, एंड वेदर दे थिंक दैट दे हैव स्किल्स या बाकी स्टूडेंट्स से बेटर है तो उनको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि उनको पता है दैट दे हैव स्किल्स एंड वो ट्राई हार्ड करेंगे एंड जॉब मिल जाएगी उनको, एंड वो सेविंग्स भी कर लेंगे क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल है। वो आके महंगी महंगी फ़ोन, महंगे एप्पल वॉच और जितने भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उस पर नहीं जाएंगे। तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि करेंटली अभी क्या है कि अगर आप GIC लगा कर आ रहे हो, आप लोन दे रहे हो,
यू विल एंड अप सेविंग्स मोस्ट ऑफ़ योर GIC, तो आप वो वापस अपने घर भेज सकते हो और या अपने कोर्स में इस्तेमाल कर सकते हो फॉर योर नेक्स्ट ईयर फीस। बट द थिंग इज़, जब आपके अकाउंट में पैसे होते हैं तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो यू शुड बी अ स्टूडेंट जो जिसके दिमाग में यही चलना चाहिए दैट एनी हाउ यू हैव टू मेक अ गुड फ्यूचर। आपको पैसे सेव करने हैं, आपको पैसे घर वापस भेजने हैं, आपको लोन रिपे करना है। इफ़ यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट देन यू शुड कम ओवर हियर आफ्टर टेकिंग लोन। अदरवाइज आप लोन लेकर आओगे एंड इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू पे, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहता है इंडिया में, एंड देन आपके लिए वो बहुत बड़ा हर्डल हो जाएगा एंड फिर वो आपके आगे के जितने भी बड़े बड़े डिसीजन हैं उसको लेने में हैम्पर कर सकता है। तो दूसरे होते हैं वो उनकी फैमिली स्पॉन्सर करती है एंड दे जस्ट वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल। वो कैनेडा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या अब्रॉड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एंड दे वॉन्ट टू मेक देयर फ्यूचर गुड। बट द थिंग इज़, उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता है दैट उनको अपनी फैमिली को पैसे वापस करना है या लोन रीपे करना है। तो इट्स नॉट दैट अगर आप आ रहे हो तो आप मौज मस्ती करो, पैसे उड़ाओ एंड ऑल। इवन यू कैन सेव सम फॉर योर सेल्फ। आप भी चाहो तो बहुत स्ट्रिक्टली सब कुछ कर सकते हो, बट द थिंग इज़, अगर आप रिच हो एंड आपका इंडिया में सब कुछ सही है तो आपको कनाडा आना मुझे नहीं लगता कि एक सही डिसीजन होगा। सो द थिंग इज़ दैट आप यहाँ पर आओगे यू हैव टू स्ट्रगल, आपको बहुत हसल करना होगा एंड बींग अ चाइल्ड विद अ गुड बैकग्राउंड यहाँ पर आना स्ट्रगल करना बहुत टफ होता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप आ रहे हो तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आओगे तो यू विल बी स्ट्रगलिंग अलॉट, हसल करना होगा हर एक चीज़ के लिए। सो द क्वेश्चन वॉज, क्या कैनेडा अभी भी वर्थ करता है 2024 में इवन आफ्टर दिस GIC का डबल हो जाना? सो येस, अगर आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कम टू कैनेडा, आप इन्वेस्ट कर सकते हो कैनेडा पे, बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज यू विल एंड अप सेविंग मोस्ट ऑफ योर GIC इफ़ यू आर रियली गुड एट सेविंग एंड यू वॉन्ट टू डू समथिंग ओवर हेयर, यू वॉन्ट टू बिल्ड योर फ्यूचर हेयर, तो आप सब कुछ कर सकते हो। हेजिटेशन आएगी GIC में लगाने में, बट व्हेन यू विल कम हेयर एवरीथिंग विल बी गुड। ऑफकोर्स जॉब्स बहुत कम है यहाँ पर, बहुत सारी जॉब पोस्टिंग्स फेक होती है, बहुत सारे जॉब पोस्टिंग्स आपको रिप्लाई नहीं आता है। बट द थिंग इज़, यू जस्ट हैव टू ट्राई हार्ड, यू हैव टू बी योर टॉप मोस्ट, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आपको बस बहुत कोशिश करना होगा जॉब के लिए, बट आपको एनी हाउ जॉब मिल जाती है, यू जस्ट हैव टू ट्राई हार्ड एंड वंस यू गेट द जॉब यू विल स्टार्ट अर्निंग, यू विल स्टार्ट सेविंग एंड एवरीथिंग विल बी गुड। सो कैनेडा इन 2024 इज़ डेफिनेटली वर्थ इट इवन आफ्टर दिस GIC का हाइक हो जाना है एंड ऑल। जॉब्स हर जगह कमी है, आपको ऐसी कोई सिटीज देखना है जहाँ पर जॉब्स आपको मिल सकता है, रिसर्च करना है अच्छे से। देर आर सिटीज़ जहाँ पर बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है, स्टूडेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पर जॉब्स की कमी होती है। बट यू जस्ट हैव टू ट्राई हार्ड एंड यू हैव टू जस्ट रिसर्च कि आप जिस सिटी में जा रहे हो वहाँ पर जॉब्स कहाँ हो सकती है एंड द स्किल दैट यू हैव, द थिंग दैट यू हैव लर्न इन इंडिया, वेदर वो आपको बाकी सारे स्टूडेंट से स्टैंड आउट करती है या नहीं, तो वो चीज़ मैटर करता है। ऑफकोर्स यू विल कम टू कैनेडा, आप कोशिश करोगे, इफ़ यू विल कीप स्ट्रगलिंग, कीप हसलिंग, कीप ट्राइंग, आपको जॉब्स मिल जाएगी एंड वंस यू गेट अ जॉब यू विल स्टार्ट अर्निंग सेविंग एंड यू विल इवेंचुअली रीपे योर लोन, रीपे योर डेब्ट्स और एनीथिंग। सो येस, कमिंग टू कैनेडा इन 2024 स्टिल वर्थ इट, जस्ट एक डिसीजन है जो आपको लेना है एंड वेदर यू कैन स्टैंड ऑन योर डिसीजन और नॉट इट्स अप टू यू। तो अब अगर आप आ रहे हो तो बस डिटर्मिंड होकर आओ दैट यू आर कमिंग टू अ न्यू कंट्री एंड यू जस्ट गिव योर बेस्ट, यू विल ट्राई हार्ड एंड एवरीथिंग। तो दिस वॉज माई वीडियो एंड दिस वॉज माई ओपिनियन, जो कि शायद आप लोगों को हेल्प करे डिसीजन लेने में कि कैनेडा आना है या नहीं। सो अंटिल देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।